हेलो फ्रेंड्स, इन दिनों आपको बहुत सारे वीडियो मिल रहे होंगे जिसमें ये लिखा हुआ आ रहा होगा कि रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेके एक ऑफिशियल नोटिस आया, इस तारीख से होगा एग्ज़ाम। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये सारे वीडियो जो है आप लोगों का समय ख़राब करने के लिए बनाया जाता है, तो इन सब वीडियो का कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि आपको बता दूँ कि अभी तक RRB NTPC या रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, और ये सारे वीडियो जो बनते हैं आपका समय ख़राब करने के लिए होता है। आप लोग चाहे तो इन YouTube चैनल पर जाके चेक कर लें, इनके YouTube चैनल पर कोई भी ऐसा वीडियो नहीं होगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा या फिर नॉलेजबल होगा। तो इस वीडियो को मैं इतना बताने का मकसद यही था कि आप लोग ऐसे वीडियो देख के अपना समय बर्बाद ना करें और कोई अच्छी चैनल पर जाकर अच्छे वीडियो देखें जो कि आपके लिए नॉलेजबल हो और एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। तो हम भी इस तरह की वीडियो बनाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ऑन कीजिएगा ज़रूर। और मैं आपको बिना किसी देरी के वीडियो के जो आज का जो टॉपिक है वो बता दूँ। आज कुछ इंपॉर्टेंट जो जनरल नॉलेज क्वेश्चन वो बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक एक करके उन क्वेश्चन को देख लेते हैं और बिना समय गवाए हुए, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जी के में आप देख पा रहे होंगे, महाकाली संधि किन देशों के मध्य हुआ था? तो आपको बता दूँ कि इसका जो सही जवाब है वो है भारत और नेपाल के मध्य। भारत और नेपाल के मध्य जो है महाकाली संधि हुई थी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मीठे पानी का कल्पसर परियोजना अवस्थित है। कल्पसर परियोजना के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको जवाब देना है गुजरात। ये सारे जो है अपडेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि अब जीके का जो पैटर्न है वो बदल रहा है, थोड़े डिफिकल्ट प्रश्न आएंगे, थोड़े से हट के आएंगे, ट्रेडिशनल जीके से काम नहीं चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह राज्य जिसमें सुइल नदी परियोजना स्थित है। आपको इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन ही करने हैं अब, क्योंकि वो जो इजी क्वेश्चन थे उनका दौर ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका जो सही जवाब है सुइल नदी परियोजना। अगर सुइल नदी परियोजना की बात हो तो उसके लिए आपको जवाब मानना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीस्ता जल विद्युत परियोजना। अगर तीस्ता जल विद्युत परियोजना पूछा जाए तो आपको जवाब देना है सिक्किम में। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो आपको बता दो कि ये कौन सी नदी पे है, इससे रिलेटेड था रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। तो सही जवाब हो जाएगा बेतवा नदी। अगला सवाल देख लेते हैं, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन की बात करें तो आपको सही जवाब देना है चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिलैया बांध जो स्थित है वो है आपका बराकर नदी झारखंड के ऊपर। ये सारे क्वेश्चन बांध से रिलेटेड है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, अगर इसमें से एक दो क्वेश्चन कभी भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत अगर जलाशय की बात किया जाए तो वो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है। बिहार और उत्तर प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना है उसको नाम दिया गया है गंडक परियोजना। वह प्रमुख राज्य जो प्राप्त वित्त किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे। किसाऊ बांध परियोजना है इन दो राज्यों के मध्य है, उत्तराखंड और हिमाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वह बांध जो सिंचाई के लिए नहीं है। आपको बता दें कि शिव समुद्रम बांध है, यह सिंचाई के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अति विवादित बबली प्रोजेक्ट अवस्थित है। बबली प्रोजेक्ट की बात करें तो बबली प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र में है। भारतीय कृषि इतिहास लिखा था, तो आपको बता दें भारतीय कृषि का जो इतिहास है वो MS रंधावा ने लिखा था। ये बुक का नाम है भारतीय कृषि का इतिहास, जिसके के राइटर है MS रंधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में एग्रो इलेक्ट्रोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकरण के क्षेत्रों में कुल संख्या है। तो अगर हम भारत में एग्रो इलेक्ट्रिक जोन्स की बात करें तो टोटल जोन्स जो है 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों के बीच प्रतिस्थापना दरों को बढ़ाने के लिए भविष्य के खाद्य उत्पाद लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके लिए अपेक्षित बड़े और विस्तृत क्रियान्वयन बाधाएँ हैं वो जो कि डिफ़िकल्टी है वो बता दें। निजी क्षेत्रों के बीच कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों में रोपण सामग्री सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं। आपको बता दें जो निजी कंपनी है वो जो क्वालिटी बीज है वो उपलब्ध कराने में कोई अपनी तरफ से सहभागिता नहीं करती, ये कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा GBPAU पंतनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो ये जो GBP विश्वविद्यालय थे इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय कितनी आर्द्रता का अंश होना चाहिए, तो अगर हमें खाद को संरक्षण करना है तो उस समय हम कटाई के समय फसल की आर्द्रता देखेंगे वो 14% से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट स्वरूप है, तो आपके बता दें कि नेट बुनाई क्षेत्र जो है वो 47% है, वन क्षेत्र 23% है और अन्य क्षेत्र 30% है। ये क्वेश्चन आपके लिए घुमा फिरा के आ सकता है कि आप बताएं कि टोटल कितने प्रतिशत भारत में बुनाई क्षेत्र है, ऑप्शन मिल जाएगा आपको 47, 48, 50 ऐसे करके चार, तो आपको 47 देना। अगर वन क्षेत्र की बात किया जाए भारत में तो वो 23% है, ध्यान रखिएगा, और अन्य क्षेत्र जो है वो 30% है। कृषि में युग्मक की पैदावार आवश्यक है, तो आपको बता दें विभिन्न मौसमों पर दो फसलों को उगाने के लिए जो है युग्मक की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिश्रित खेती की विशेषता क्या होती है, तो आपको बता दें पशुपालन और सह उत्पादन एक साथ करना, यानी कि खेती के साथ पशुपालन जो है मिश्रित खेती कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकृति पे अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता तथा बड़े खेतों की प्रधानता में से भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, तो आपको बता दें कि बड़े खेतों की प्रधानता जो है हमारे भारतीय कृषि का मूल रूप नहीं, यानी कि हमारे यहाँ जो खेती की जाती है, एक किसानों के पास बड़े बड़े खेतों का प्लॉट नहीं होता है, छोटे छोटे खेतों में खेती की जाती है। जैसे कि आपको बता दें अमेरिका वगैरह में एक किसान होते हैं, उनके पास बहुत बहुत बड़ा ज़मीन का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, सहकारिता कृषि एवं भूजोत आकार में एक भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, तो आपको बता दें भारतीय कृषि में सहकारी कृषि की कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में संक्राय यानी कि चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार क्या है, कहाँ पर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में कृषि को समझाया जाता है, भारत में कृषि को मूल रूप से जीवोपार्जन का साधन माना जाता है, यानी कि इंडिया में जो कृषि है उसे बिजनेस के तौर पर नहीं लिया जाता, यहाँ पर सिर्फ जीविका का साधन माना जाता है कृषि को, इसी वजह से हम कृषि के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और हमारा कृषि जो है विकसित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय कृषि के संदर्भ में सही कथन है, अगर बात करें भारतीय कृषि के संदर्भ में सही कथन की, तो वो होता है भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाले लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है, यानी कि जो 90% क्षेत्र है जहाँ पर दाल की खेती होती है वो वर्षा के ऊपर डिपेंड है, वहाँ पर जो जलाशय वगैरह होती है उसकी सुविधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता है, तो अगर सही बात करें तो रासायनिक उर्वरक के लिए जो दो बड़े कंज्यूमर है वो है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ज़्यादा रासायनिक उर्वरक का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है, तो आपको बोलते हैं ढेंचा जो है इसे नई सुधारी फसल यानी ऊसर की हरी खाद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संतुलित उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो संतुलित उर्वरक का प्रयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए, संतुलित उर्वरक का प्रयोग इन तीन चीज़ों के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन बदल बदल के आ सकते हैं, मैं तीनों सही जवाब आपका इकट्ठा कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना, विदर्भ में, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, तो आपको बता दें कि जो तमिलनाडु का तट है वो यहाँ इन तीनों क्षेत्रों के लिए उच्च कृषि, तमिलनाडु जो तट है वो केरल तट और तेलंगाना तट से आगे है उच्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन सबसे संपन्न, पुनर्भरण योग्य भौम जल प्रोजेक्ट की बात करें तो वो आपके उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अगर ननी राज्य है, अगर बात करें ठेके पे खेती देने की तो उसमें पंजाब का राज्य नंबर वन पे आता है, यहाँ पे खेतों को ठेके के तौर पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित खेती
में सन्निहित है। तो अगर बात करें हरित खेती के लिए तो समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति, समेकित प्राकृतिक संसाधन, अगर ये तीनों चीज़ें उपलब्ध है तो उसे हम हरित खेती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि पर वैश्विकरण का प्रभाव है। तो आपके बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय कृषि किसानों के उत्पाद की पहुंच, नकदी फसल पर बल, आय असमानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती, ये भारतीय कृषि को ग्लोबलाइजेशन करने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बीज ग्राम संकल्पना यानी कि सीड विलेज कॉन्सेप्ट प्लाट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको बता दें इसका जो मुख्य उद्देश्य है किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन प्रशिक्षण देने में लगाना, उनके द्वारा दूसरे समुचित समय पर वाहन का योग लागत के गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है आपका बीज ग्राम संकल्पना का वो बताया, किसानों को क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक मार्क क्या है। तो आपको बता दें कि एक मार्क जो होता है गुणवत्ता की गारंटी होता है। एक कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि एक मार्क जो है इनमें से किस क्षेत्र से रिलेटेड है, कृषि, बिजनेस या इकोनॉमिक्स, ऐसे क्वेश्चन आता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति कई कृषि व्यूहरचना के परिणाम थी तो जो कि 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। तो आपको बता दें कौन से दशक में हुई थी, अगर ये ऐसे पूछा जाए तो इसका जवाब देना है 7वें दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। तो आपको बता दें सदाबहार क्रांति की जो लिए जिम्मेदार है वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। नॉर्मन ऑर्गेस्टा बोरलॉग जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वे कौन से देश से थे। क्वेश्चन अब डिफिकल्ट आएगा, अब ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, आप सीधे मार देंगे नॉर्मन ब्लॉग, लेकिन अब इस सवाल को थोड़ा डिफिकल्ट पूछा जाएगा, उनसे ये पूछा जाएगा कि कौन से देश से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से थे नॉर्मन ब्लॉग। वहीं भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक, अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो नॉर्मन ब्लॉग को ही माना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि कृषि से रिलेटेड थे, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।